भुगतो भुगतो। अब हम सलाह दिए थे कि अपने छोकरे को खुले सांड की तरह छोड़ना अच्छी बात नहीं है, पर हमारी बात नहीं सुनी। तब तो ठकुराई के शेर पर अपने बेटे को सवारी करा रहे थे आप, और पिलाओ ठकुराई की घुटी पिलाओ। जटाशंकर जी, ये तो हमारे खून और खानदान का असर है, जाएगा कैसे? ठीक है, अब यही बात जाके डीआईजी से कह दो जो तुम्हारे सपूत को गिरफ्तार करने आया है। कमाल करते हैं आप जटाशंकर जी, हम आपसे बिल्लू की मदद करने के लिए कह रहे हैं और आप है के बेहुदा बातें सुनाए चले जा रहे हैं। हिमा का बेहुदा बात है भाई, देश का कानून हमारे घर का पालतू कुत्ता तो है नहीं कि जब हम चाहेंगे काटेगा, जब हम चाहेंगे भौंकेगा। ना भाई, इस सरकारी टंटे में हम अपनी टांग नहीं फंसाना चाहते। जब आप असलम और मीरा के कत्ल के जुर्म में फंसे थे, तब भी कानून किसी के घर का कुत्ता नहीं था, फिर भी हमने आपकी मदद की थी। हमें ज्ञान बाजरे का वो भगत आपकी ऐसी नजब रही थी कि जो किसान को हम नहीं हटाते तो राणा साहब ने तो आपकी लुटिया ही डुबो दी थी। आज वो बात का एहसान हम पे जाने की कोशिश कर रहे हैं आप। चलिए एहसान ना सही, लेकिन ये वक्त फजूल बहस करने का नहीं है। बिल्लू हमारा इकलौता बेटा है और सवाल उसकी जिंदगी का है। उठाइए फोन और कहिए उस डीआईजी से के इस केस को फौरन रफा दफा करे। और सुनो, यानी कि आप ये चाहते हैं कि हम उस डीआईजी से जाके कहें कि हमारी सांठ गांठ खूनी उचक्कों के साथ है, यानी कि हम अपनी इज्जत का मलयामेट खुली कर लें। आपकी बुद्धि ठिकाने है कि नहीं ठाकुर साहब? अकल तो तेरी ठिकाने नहीं है हरामजादे। कित के पंजे और मोर के पंख लगाकर अपनी जात बदल रहा है कमीने। नहीं नहीं, हमारा हृदय परिवर्तन हो रहा है, बेहतर इसी में है कि अब आप यहां से चलें। जटा शंकर याद रख, मुसीबत के वक्त जो काम ना आए वो दोस्त नहीं दुश्मन होता है, और अब मेरी ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी, समझा? सर, एंग्री मैन, वेरी डेंजर। पूनम, रॉकी, तुम दोनों यहाँ? हाँ, गांव में पूछा तो पता चला कि तुम यहाँ मिलोगे, तो यहाँ चले आए। जब से तुम गांव आए हो, ना कोई चिट्ठी भेजी और ना कोई खबर दी, हमें फिक्र होने लगी थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम खुद चलकर तुमसे मिलने आए, हालचाल पूछें, सब ठीक ठाक तो है ना? कुछ ठीक नहीं, यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या? तुम्हारे यहाँ आने के बाद वहाँ कॉलेज में कोई कम बर्बादी नहीं हुई मेरे भाई? क्या मतलब? बिल्लू ने रंगीला का खून कर दिया। क्या? हाँ, और बिल्लू वहाँ से भागकर यहाँ गांव आ छुपा है। शहर से डीआईजी साहब उसे गिरफ्तार करने यहाँ आ गए हैं। कोई फायदा नहीं, बिल्लू का बाप उस डीआईजी को कुछ खिला पिला कर यहाँ से रवाना कर देगा। नहीं अर्जुन, डीआईजी साहब एक बहुत ही नेक और ईमानदार अफसर है, उन्हें खरीदना तो नामुमकिन है। अगर हम बिल्लू को पकड़वाने में उनकी मदद कर दें तो उनका काम भी आसान हो जाएगा और बिल्लू को उसके किए की सजा भी मिल जाएगी। तुम फिक्र मत करो पूनम, रंगीला का खून जाया नहीं जाएगा। इसके खून की कीमत सिर्फ बिल्लू को नहीं बल्कि उसके बाप को भी चुकानी पड़ेगी। लेकिन हर जंग में कृष्ण के बगैर अर्जुन अधूरा है, इसलिए पहले हमें कृष्ण भैया को आजाद करने की कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। कैदियों को उतार कर रास्ता साफ करवा दो। यस सर। चलो नीचे उतरो, आगे जाओ, चलो चलो। कृष्ण भैया, चलो। चलो सब मिलके उठाओ, चलो चलो जल्दी करो। Yeah!
गए सर। पूनम रॉकी, हमें आजाद कराने में जो तुमने हमारी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके आगे मैं और अर्जुन जो करने जा रहे हैं उसमें जान का खतरा है और हम नहीं चाहते कि हमारी खातिर तुम ये खतरा मोल लो। कृष्णा भैया, ऐसा कहकर हमारी दोस्ती को गाली मत दीजिए। अर्जुन मेरा दोस्त है और वो दोस्ती क्या जो मुसीबत में दोस्त के काम ना है। रही पूनम और अर्जुन की बात, ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और जीवन साथी बनने का फैसला भी कर चुके हैं। क्या? हाँ कृष्ण भैया, अब अर्जुन का हर दुख मेरा दुख है, हर खतरा मेरा खतरा है। क्यों भाई, ये बात आज तक मुझसे क्यों छुपाई? वो मौका ही नहीं मिला भाई। मौके का बच्चा। ठीक है, अगर मेरी बात से तुम दोनों के दिल को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ हमें क्या करना है। तुम जाकर उसकी तैयारी करो, तब तक मैं और अर्जुन जाकर ये पता लगाते कि ठाकुर ने अपने बिल्लू को कहाँ छुपा रखा है। तुम? हाँ हम। सीधे तरीके से बता दो ठाकुर ने अपने पिल्ले को कहाँ छुपा रखा है, वरना। ठाकुर ने अपने पिल्ले को कहाँ छुपा रखा है, वरना तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। बोल, काली टोप के शिकार घर में। हद हो गई यार, और कितने दिन सड़ता रहूंगा इस चार दीवारी में, ना कोई मौज ना मस्ती, अब तक बंदी बनकर रहना पड़ेगा मुझे यहाँ। जब तक बड़े ठाकुर का हुक्म नहीं आता तो कब आएगा बड़े ठाकुर का हुक्म? ए, कहाँ घुसे चला आ रहे हो तुम लोग? नाचने गाने वाले हैं, रास्ते में रात हो गई, तनिक हमका रात भर का सर छुपाएगा जगह दे तो? हरगिज नहीं। अरे ई जुलुम ना करो सरकार, ई भयानक जंगल मा जनानी को लेकर रात मा कहाँ जाई? बहादुर जी। हुजूर, अंदर आने दो इन्हें। लेकिन हुजूर, बड़े ठाकुर। उनसे मैंने पट लूंगा, तुम लोग आओ। सरकार को हमरी उम्र लग जाई। अरे बाप रे बाप,
कितनी शानदार कोठी है रे चंपा। हमका तो कोठी से ज्यादा कोठी वाला भाई है। कितना बड़ा दिल है सरकार का। अगर तुम देखना चाहती हो कि हमारा दिल कितना बड़ा है तो सजा दो महफिल, जमा दो रंग, हम तुम्हें इनाम से खुश कर देंगे रानी। ये बात है तो पिलाए दा हमका थोड़ी सी मदिरा, फिर देखा हमरा जलवा। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे इका करी हो सरकार, इन्हें पी ली ना मदिरा तो इका चढ़ जाएगी। और इका चढ़ गई ना तो जल्दी उतर बे नहीं, आपे से बाहर हो जाई। अच्छा तब तो हम इन्हें जरूर पिलाएंगे, चलो और पी जाओ खटाखट। कृष्ण भैया, इससे पहले के ठाकुर साहब हमें ढूंढ निकालें, हमें बिल्लो को डीआईजी साहब के हवाले कर देना चाहिए। सो तो करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ठाकुर से अपना हिसाब चुकता करना है। उसे ये धमकी देकर कि अगर उसने वो नहीं किया जो हम चाहते हैं तो हम उसके लाडले को जान से मार देंगे। ठाकुर बड़ी सख्त जान है भैया, इतनी आसानी से नहीं मानेगा। अरे बेटे की मोहब्बत सख्त से सख्त जान को तोड़ कर रख देती है। हम ठाकुर को उसके बेटे की तरफ से वो खतरनाक तोहफा भेजेंगे कि उसकी रूह कांप उठेगी, फिर वो इसकी सांसों की भीख मांगेगा और हम उसके गुनाहों का हिसाब। इसका बायां हाथ पकड़ कर नीचे करो, चलो। नहीं छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। चलो इससे नमक हराम, जिस जबान से तूने सारी उम्र हमारा नमक खाया उसी जबान से तूने हमारे बेटे का पता बताकर से दुश्मनों के हवाले कर दिया। मैं नमक हराम नहीं हूं, माफ कर दादा, मुझे माफ कर दीजिए दादा, माफ कर दीजिए मुझे। मैं तेरी कमी उठा दूंगा। नहीं, मैं नमक हराम नहीं हूं दादा, मुझे माफ कर दीजिए। हरगिज नहीं रामू, शंकर भीमा कन्हैया, इस मनहूस को ले जाओ और हवेली के बाहर फेंक दो। दादा आपने ये अच्छा नहीं किया। अब तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो और मेरे बेटे को ढूंढा लाओ। कोई फायदा नहीं ठाकुर। तुम? हाँ मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा बेटा कृष्ण भैया के कब्जे में है, और अगर तुम उसे 7 जन्मों तक भी ढूंढो ना तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। सीधी तरह बता के तूने मेरे बेटे को कहां छुपा रखा है, वरना इस हवेली से तेरी लाश जाएगी लाश। अगर तुमने मेरा एक बाल भी बाका किया या मैं तुम्हें कृष्ण भैया का संदेशा देकर 1 घंटे में वापस नहीं लौटा तो वो बिल्लू को जान से मार डालेंगे। सोच लो ठाकुर, जिस आदमी को 2 खून की सजा मिल चुकी हो उसे तीसरे से क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है बताओ क्या संदेशा लाए हो कृष्णा का, उसने मेरे बेटे की रिहाई की कीमत क्या लगाई है। कीमत तो 2 ही लगाई है तुम्हारे बेटे की ठाकुर, एक उसे जिंदा रखने की, दूसरा उसे वापस लौटाने की। सबसे पहले तुम्हें पुलिस स्टेशन जाकर डीआईजी साहब को यह बताना होगा कि कृष्ण भैया बेकसूर है, मीरा बहन और असलम भाई का खून उन्होंने नहीं जराशंकर ने किया है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, ये नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन में बदलने के लिए कृष्ण भैया ने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है। क्या है ये? बहुत शौक था ना तुम्हें लोगों से अंगूठा लगवाने का, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी तुम्हें एक अंगूठा भेजें तुम्हारे बेटे का। नहीं! मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तेरा खून पी जाऊंगा मैं। बंद करो ये गीदड़ भभकी और गौर से सुनो, अगर तुमने वो नहीं किया जो मैंने कहा तो ये अंगूठा अपने बेटे के मौत के परवाने पर लगा देना, क्योंकि हम उसके टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे पास ऐसे भेजेंगे कि तुम उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाओगे, समझे? तो आप चाहते हैं कि मैं आपके इस बयान पर यकीन कर लूं कि जटाशंकर त्रिपाठी ने मीरा का रेप किया और इस राज पर पर्दा डालने के लिए उसने उसका और असलम का खून कर दिया? जी हां। यह सरासर झूठ है सर,
अदालत में यह साबित हो चुका है कि दोनों अपराध कृष्ण ने ही किए हैं। हाँ, लेकिन गलत बयान और झूठे सबूतों के बिना पर किसके करता धरता ये इंस्पेक्टर चौबे है? ठाकुर साहब, आपकी मकारी यहां नहीं चलेगी, समझे आप? हुजूर, आप इनकी एक ना सुने, सारा इलाका जानता है कि अव्वल दर्जे के बदमाश है। हसन अफ ठाकुर साहब, अगर ये सच है तो ये बात आपने अदालत में क्यों नहीं कही? किस उम्मीद पर करता हुजूर? जटाशंकर के एक हाथ में सरकार और दूसरे हाथ में कानून बंद है, तो कोई शरीफ आदमी उसके खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत कैसे कर सकता है? अगर आप जैसे ईमानदार अफसर का भरोसा ना होता तो शायद मैं ये बात करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था। सर, ये आपको अपनी चापलूसी से बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री जी से अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने इनके बेटे को बचाने से साफ इनकार कर दिया। हरगिज नहीं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है तो जटाशंकर के पीए सेवक राम को पकड़ लाइए। दो हाथ पड़ते ही वो आपको बता देगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। बस कीजिए, इनफ इज इनफ सर। बॉडी दुखी, हेड पेन, जान निकली। अंग्रेजी बकना बंद करो और सच बताओ, मीरा का रेप किसने किया और असलम और मीरा को किसने मारा? नॉट मी, जटाशंकर। जटाशंकर रेप मीरा, ही मर्डर मीरा एंड असलम, नॉट मी। मैं नहीं, आई नो। और कुछ कहना चाहते हो? सर, वो चतुर सेन चौबे, मैं तुम्हें इसी वक्त ड्यूटी से सस्पेंड करता हूं। लेकिन सर, एंड यू आर अंडर अरेस्ट। का कठिया गए हो डीआईजी साहब? जानते हो का कह रहे हो? जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। ये रहा आपका अरेस्ट वारंट। अरे फेंक दो इसे रद्दी की टोकरिया में। दो टके के कागज की का औकात जो हमारी गिरफ्तारी का हुक्म दे? ये कहकर तुम कानून की हतक कर रहे हो मंत्री। इस मुल्क का कानून किसी ओहदे का या किसी कुर्सी का गुलाम नहीं है, चाहे उसके सामने प्रधानमंत्री ही क्यों ना खड़ा हो। कानून की नजर में सब बराबर है। डीआईजी, तुम हमसे टक्कर लेके बहुत बड़ा संकट मोल ले रहे हो। अच्छी तरह सोच लो, हमारा पौवा दिल्ली तक है। क्यों, दिल्ली कोई तोप है क्या? हर खद्दरधारी यही धमकी देता है। पांच साल तो बड़ी मुश्किल से पूरे करते हो और पूरे हिंदुस्तान को अपने बाप की जागीर समझते हो। तुम्हें जो करना है करो, मगर मैं अपना फर्ज निभाने से हरगिज पीछे नहीं हटूंगा। बहुत फड़फड़ा रहे हैं तुम्हारे फर्ज के पंख। बहुत गुमान है तुम्हें अपनी इस बढ़ती और फीतों पर, लेकिन याद रहे, अगर मुझे हाथ लगाया ना तो उतरवा देंगे तुम्हारी जेब बर्दी और फीते। जटाशंकर त्रिपाठी, मेरा नाम हिदायत अली खान है और जिसे अल्लाह की हिदायत और अली की हिदायत हो उसे दुनिया में किसी भी चीज का खौफ नहीं होता। मेरा फर्ज किसी वर्दी का मोहताज नहीं है। अगर तुम इस वर्दी को उतरवा भी दोगे ना, तब भी मैं इस मुल्क के कानून की हिफाजत उतनी ही ईमानदारी से करूंगा जो हर हिंदुस्तानी को करनी चाहिए। अब तुम शराफत से मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलते हो या मुझे तुम्हारे साथ भी वही सलूक करना पड़ेगा जिसके लिए पुलिस बदनाम है। ये बगत तो हम चलते हैं, पर तुझे बात ऐसे खत्म होवेगी नहीं। चलिए।